गोंडा सर्किट हाउस पे अखिल भारतीय तिवारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के शर्मा ने की प्रेस वार्ता। के शर्मा ने कहा, अखिल भारतीय तिवारी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 2022 में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, होम दिल्ली। आज हमारे देश में दिशा विहीन, ऐसा दिशा विहीन कि इस देश में 95% लोग तबाह हैं, 5% अमीरों के लिए ये देश चल रहा है। इस देश की संपत्ति पे कब्जा किसका है? 5% लोगों का। 95% लोग आज नशा युक्त कर दिए गए। सामने हैं, ये हमारा देश तिवारी जी का लाल कुआं उत्तराखंड नैनीताल में नारायण महोत्सव का आयोजन किया गया है नारायण परिवार की तरफ से। तो अखिल भारतीय तिवारी कांग्रेस पार्टी लाखों लाख लोगों को लाल कुआं पहुंचने की अपील कर रही है। आज मेरा उद्देश्य है कि हम अपने संगठन को जनपद स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को, अपने कार्यकारिणी के विधानसभा स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जनपद स्तर पे मजबूत करें, यही हमारा उद्देश्य है। अभी 6 महीने बाद एक बात, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी जानता हूँ, एक ही टिकट देगी बीजेपी, उसके 900 कार्यकर्ता हमारे पास आएंगे टिकट के लिए। एक ही सपा टिकट देगी, उसके भी कार्यकर्ता हमारे यहाँ आएंगे और उसी उन्हीं के ही हथियार से हमारी लड़ाई होगी। सुनिए, और मैं बीजेपी और कांग्रेस और सपा, मैं इंतजार कर रहा हूँ अपना टिकट दें और हमारी पार्टी को आप भी देखेंगे, पूरा देश देखेगा। आप देखेंगे कि नारायण दत्त तिवारी जी तिवारी कांग्रेस पार्टी बनाए थे, तो हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, लेकिन नारायण के लोग, नारायण दत्त तिवारी इस देश में सरकार बनाने जा रहे हैं और बना करके दिखाएंगे हम। जैसा आपने कहा कि मैं वास्तव में तिवारी जी ने इतने विधायक, इतने सांसद, इतने परिवार जुड़े हैं कि मैं आपको नाम का खुलासा कर दूंगा तो हो सकता है आपकी बहुत बड़ी खबर बन जाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, नारायण दत्त तिवारी के लोग इतनी भारी संख्या में हैं कि तिवारी जी के लोग ही चुनाव के लिए आगे आ रहे हैं। तिवारी जी के लोग ही नारायण राज की स्थापना में ये देश के करोड़ों करोड़ों लोग नारायण दत्त तिवारी परिवार के साथ चलेंगे, नारायण विरासत को आगे बढ़ाएंगे। और नारायण दत्त तिवारी जी की जो पार्टी है, ये अखिल भारतीय तिवारी कांग्रेस पार्टी, इस मुल्क में, इस प्रदेश में, इस उत्तराखंड में, इस दिल्ली में हम बहुत बड़ी ताकत बनकर के आ रहे हैं। तिवारी जी कांग्रेस से अलग हुए थे, पीवी नरसिम्हा राव से अलग हुए थे, कांग्रेस से नाराज हुए थे, उसी समय उन्होंने पार्टी बनाई थी और वही पार्टी अब देश को समर्थ। सर, ये क्या तिवारी खानदान से ही लेकर के चले गए सारे समाज को? नहीं, मैं चूंकि देखिए तिवारी जी के बिना हम, तिवारी जी ही हमारे आदर्श हैं, तो इस नाम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तिवारी जी अगर हमारे नहीं है तो हम उनके आदर्शों पे चलना, वो तो हम समाज के सभी वर्गों को जोड़ेंगे, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अगला, सभी वर्गों को हमारी पार्टी में बेहतरीन सम्मान, उपेक्षित नहीं, शोषित नहीं, हम उनको किसी भी स्तर पे कमजोर नहीं करना चाहते।